हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज़ है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है साइंस के रिलेटेड रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक वीडियो मैंने प्ले किया है। तो बेसिकली रिलेटेड टू द साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी। जी, 2020 में इसको फॉर्मुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया गया था। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एडवाइज़र है, वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है कि एक नई पॉलिसी को लेकर आए, और ये 5वीं बार बनाया जा रहा है। सो देखते हैं इस बार क्या क्या पॉइंट्स को इन्होंने कवर किया है, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस तरह से ये ग्रोइंग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है, और किन प्रोसेस में इसको बनाया जाएगा, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत आपको ड्राई मैटर दिखेगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको लेक्चर इंटरेस्टिंग लगे, बट हवेवर जो भी पॉलिसीज होते हैं तो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स और जो की कंपोनेंट्स होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि कई बच्चों को मैंने देखा है कि जब भी कोई स्कीम्स के रिलेटेड या कोई पॉलिसीज के रिलेटेड वो ऑब्जेक्टिव्स या उसको कुछ पढ़ना हो तो लोग थोड़ा मुंह फिरा लेते हैं, राइट? क्योंकि वहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं होता है, कोई फैक्ट्स नहीं होते हैं। बट हवेवर ये आपको मेंस एग्जाम में लिखने में काम आ जाएगा, और आपको एनालिटिकल पार्ट ज़्यादातर रहेगा इसमें कि किस तरह आप अपने आइडियाज़ यूज़ करके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और क्या क्या टेक्नोलॉजीज हम ला सकते हैं वे इंडिया में विथ अफोर्डेबल रेंज। क्रिटिकल एनालिसिस में आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले एज यूजल एक छोटा सा रिमाइंडर मैं देना चाहता हूँ आपको कि अगर आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग पेन ड्राइव एंड एंड्रॉयड कोर्सेज को एक्सप्लोर करना है तो हमारा वेबसाइट है दोस्तों www.proxygyan.com। वहाँ पे जाइए, विजिट कीजिए, और कई सारे बेसिक लेवल कोर्सेस और जो कि आपको एंट्रेंस लेवल एग्जाम में क्लियर करने में मदद मिलेंगी। हमारे एजुकेटर जो है अच्छे इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ा रखा है, जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हो जाएंगे, और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज भी वहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि यू नो हाउ कम्युनिकेशन प्ले वाइटल रोल इन एवरीवंस लाइफ। तो जल्दी से जाइए, आज ही चेकआउट कीजिए, और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो पहले मैं आपको रीसेंट न्यूज़ बता देता हूँ हमेशा की तरह। तो क्या हुआ है रिसेंटली, जो हमारे ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रॉपरली एडवाइस करते हैं, उनके ज़रिए से और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन में इन्होंने एक नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी जो 2020 के एक्चुअली दिसंबर में लाया गया था उसको फॉर्मुलेशन करने के लिए एक आइडिया एक स्टेप्स लिए गए हैं। तो क्या क्या इन्होंने अभी इंक्लूड किया है इस पॉलिसी बिल में हम देखेंगे, और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, और किस तरह से हमारे इंडिया को डेवलपमेंट होगा, और किस तरह से जो अभी पैंडेमिक को हम इसको हैंडल कर पाएंगे, क्या ये फैक्टर्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात, हर पॉलिसी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ मकसद होता है, कुछ गोल होता है। ऐसे ही नहीं आप रातें रात जो है बैठे बैठे आपने कोई पॉलिसी बना दी और लॉन्च कर दिया। प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं और ताकि वो ग्राउंड रियलिटी से मैच हो सके, राइट? तभी जाके कोई पॉलिसी काम करती है। तो पहली बात, हम ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। तो ये आप ऐसे ही डिटो याद मत कीजिए, बट आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं आप, बट हवेवर जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं वो बस आप याद कर लीजिए ताकि उस बेसिस पे आप आंसर बना पाएं। तो पहली बात, ये ऑब्जेक्टिव का मेन मकसद यही है कि आने वाले डिकेड में, राइट, 2030 तक या फिर उससे आगे, तो top 3 साइंटिफिक सुपर पावर कंट्रीज में हमारा इंडिया का नाम हो जाए। सो बेसिकली दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, कि हम अपने जो टेक्नोलॉजी उस पर रिलाई करेंगे, और जो है पहले इंपॉर्टेंस हमारा लोकल को दिया जाएगा। तो मेन गोल है कि एक साइंटिफिक पावर बने हम लोग भी, जिस तरह जो डेवलप कंट्रीज है लाइक यूएसए, चाइना, जो डेवलप कंट्रीज रशिया है, उनके पास जो टेक्नोलॉजी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेर एवर कोई भी फील्ड में हो आप, चाहे डिफेंस में ले लीजिए, और चाहे आप मशीन्स में ले लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग में ले लीजिए, कंस्ट्रक्शन में ले लीजिए, कहीं ना कहीं आपको साइंस डेली यूज में आता ही है, राइट? साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको जब से आपकी जो नींद हुशार होती है ना सुबह से, आप तब आप आराम करते हैं रात तक, तो हर एक्टिविटी में आपको साइंस दिखने को मिलेगा, आप प्रॉपरली गौर कीजिए, राइट? तो ताकि हमारे इंडिया में डेवलपमेंट हो, अगर हम लोकल जो टेक्नोलॉजीज को फोकस करेंगे, सो वी विल ऑल्सो हैव, अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अग्रीमेंट्स के बारे में भी बात की गई है
कि हम किस तरह से बड़े कंट्री से हम साइन करेंगे, जो डेवलप कंट्री से, यूएस से। ऑलरेडी हमारा एक अग्रीमेंट चल रहा है उनके साथ, जो USTFR के तहत हमने अग्रीमेंट की है कि जितने भी टेक्नोलॉजी से ट्रांसफ़र किए जाएंगे, बट हावेवर वी नीड डेवलपमेंट, वी नीड सपोर्ट, और जो भी जो स्ट्रेंथ करना है ह्यूमन कैपिटल को, राइट, एक प्रॉपर इकोसिस्टम बनाया जाए, एक प्रॉपर हब हो जहाँ पे सारे अपने आइडियाज़ शेयर किए जाए, राइट। क्योंकि अभी देखिए ये पॉलिसी में भी कहा गया है कि जो GDP है ऑन R&D उसको भी बढ़ाने की बात की गई है, R&D इन द सेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत कम रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है हमारे इंडिया में, और ज़्यादातर आपको प्राइवेट सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट की जाती है, नॉट द गवर्नमेंट सेक्टर। तो इसको भी बढ़ाने की जो है बात की गई है इसमें, राइट। और कई सारे इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिज़ाइन किया जाएगा ताकि प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तभी तो कुछ एक्टिविटीज़ हम कैरी आउट कर सकते हैं, राइट, तभी तो हम कुछ आगे लेके जा सकते हैं। तो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल एक्सलेंस को भी बढ़ावा दिया जाएगा इसमें। दिस इज़ अ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, आप बस इसके की पॉइंट्स याद कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में लिखने में आसानी हो जाएगी। तो फर्स्ट की पॉइंट आपको साइंटिफिक सुपर पावर हो गया, दूसरा की पॉइंट ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाने की बात की गई है, तीसरा की पॉइंट GDP में इंक्रीज किया जाएगा जो R&D में, अगर आप ये पॉइंट को सजेशन की तरह भी लिख सकते हैं, और चौथा जो है एक जो इंस्टीट्यूशनल एक्सेलेंस भी बनाया जाएगा ताकि हम भी ग्लोबल रिकॉग्निशन हो सके, राइट। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट टाइम नहीं है, इट्स ए फिफ्थ STIP जो इंडिया में फॉर्मुलेट की गई है, और इस बात जो है ये COVID-19 के मौके पर इसको फॉर्मुलेट किया जा रहा है। तो ये पॉलिसी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है व्हेन कंपेयर टू द प्रीवियस पॉलिसीज, बिकॉज यहाँ पे कई सारे चेंजेस हुए हैं, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आत्मनिर्भर का नारा लगा हुआ है सारे इंडिया में कि वोकल फॉर लोकल, राइट, कि हम अगर लोकल को वॉइस देंगे तो कल जाकर ग्लोबल होगा। तो इसमें आत्मनिर्भर की भी बात की गई है, जैसे मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस स्लाइड में, यहाँ का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है इसरो में और DRDO में और कई सारे जो इंस्टीट्यूशन है रिसर्च इंस्टीट्यूशन, उनको बढ़ावा दिया जाएगा, उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड की जाएंगी, राइट, ये बात की गई। और वहाँ का जो वर्क फोर्स है उसको बढ़ाया जाएगा, प्रॉपर जॉब फैसिलिटीज़ जो है डाली जाएंगी, जॉब फैसिलिटीज़ ओपन की जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज़, राइट, डाटा को इंटीग्रेट करने का काम कर रहे हैं लोग, ये सारी चीज़ें इसमें बात की है, ताकि वी शुड नॉट डिपेंड अपॉन एनी फॉरेन कंपनी टू वर्क फॉर अस, वी शुड नॉट डिपेंड अपॉन एनी फॉरेन कंट्री टू इंटीग्रेट अवर डाटा, ओके, वी आर एट द स्टेज एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर इंडिया टू कम अप विथ सच पॉलिसीज सो दैट वी कैन हैव ए ग्रोथ इन अवर GDP, इन अवर एम्प्लॉयमेंट, इन अवर डिपेंडेंसी, एवरीथिंग, राइट। तो दिस इज अबाउट ऑब्जेक्टिव्स, और ये फिफ्थ STIP है जो क्रूशियल टाइम पे इस पे फॉर्मेट किया जा रहा है। तो चलिए इसके कॉम्पोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं। तो इसमें पहली बात तो एक ओपन साइंस फ्रेमवर्क करने की बात की गई। देखिए, कॉम्पोनेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स आपको गोल के बारे में बताया जाता है कि हम इस तरह से करेंगे और अचीव करेंगे, ये हमारा मकसद है, ये हमारा अचीवमेंट है। कॉम्पोनेंट्स मतलब किस तरह से काम कर किया जाता है, राइट, क्या क्या स्टेप्स होंगे लेना पड़ेगा ताकि हम ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को अचीव कर सके, दिस आर डिफरेंट पार्ट, राइट। तो कई लोग कंफ्यूज कर लेते हैं कॉम्पोनेंट्स और ऑब्जेक्टिव्स में। तो इसमें पहली बात तो ओपन साइंस फ्रेमवर्क के एक प्लेटफॉर्म बनाने की सोचा गया है ताकि हर कोई भी, जिसके पास भी कोई भी आइडिया हो, दे कैन कम एंड शेयर दैट आइडिया, कि पब्लिकली फंडेड रिसर्च रहेगा, ये कोई भी फंड कर सकता है आपको, और कोई भी, ये ऑनलाइन एक्चुअली पोर्टल बनाया जाएगा, आगे आपको डिटेल्स बताऊंगा मैं। तो कई सारे फाइंडिंग्स होते हैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस में, सारा कुछ एक जगह इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, और वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और मुझे जब मैं पढ़ रहा था पॉलिसी को मिनिस्ट्री के वेबसाइट में, ये पॉइंट मुझे अच्छा दिखा, बिकॉज ये क्या होता है, आपको डेमोक्रेटाइज कर देता है नॉलेज को। अभी तक आप देखिए जितने भी रिसर्चर्स होते हैं, क्या आपको पता है कि इंडिया में कौन से कोने में क्या रिसर्च हो रहा है, आपको पता है कि कौन से सब्जेक्ट में रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं लोग, बिकॉज वी डोंट हैव नॉलेज, राइट, और लोगों को उतना इंटरेस्ट भी नहीं। अगर आप इस तरह से एक वन प्लेटफॉर्म, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का प्लेटफॉर्म लाते हैं, जहाँ पे नॉट ओनली रिसर्चर्स को नॉलेज होगी, हर इंडिविजुअल, हर लोगों को पता चलेगा कि क्या रिसर्च चल रहा है रिगार्डिंग मिसाइल्स ले लीजिए, रिगार्डिंग DRDO, रिगार्डिंग सैटेलाइट्स, रिगार्डिंग कोई भी चीज़ हो, वैक्सीन रिलेटेड, ये तो अभी बहुत चर्चा में है, राइट, तो अवेयरनेस होना भी ज़रूरी है। तो एक सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म भी लाया जाएगा ताकि साइंस को हम डेमोक्रेटाइज कर सकें, राइट, क्योंकि हर एक का हक है कि वो जाने कि क्या हो रहा है इंडिया में। और ये जनरल फाइनेंशियल रूल्स है जो फंडिंग की जाती है बड़े स्केल प्रोग्राम्स को,
इसको भी मॉडिफिकेशन करने की बात की गई है, क्योंकि अभी इसमें कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं दोस्तों, क्योंकि फंडिंग में आपको रिस्ट्रिक्शंस होगा तो डेवलपमेंट किस तरह से होगा, तो इसको भी रिमूव करने की बात की गई है। और बेसिकली ये जो पॉलिसी फॉर्म कर रहे हैं लोग, ये चार जो ट्रैक्स में फॉर्म की जाएगी, राइट, फोर ट्रैक्स, फोर ग्रुप्स बनाए जाएंगे, उसके तहत ये लोग पॉलिसी को फ्रेम करने वाले हैं, क्योंकि दिस टाइम दे आर गोइंग टू द बॉटम अप्रोच। तो पहले अगर आप देखें प्रीवियस पॉलिसीज, दे आर नॉट गोइंग टू द बॉटम अप्रोच, बट नाउ दे विल गो, दे विल हैव एन डिस्कशन विद द पब्लिक एक्सपर्ट्स, राइट, जो भी रिसर्च है उनके साथ डिस्कस करके ये पॉलिसी को बनाया जा रहा है। तो आप बस इतना मैटर मत देखें, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बता देता हूँ, वो याद कर लीजिए। तो ये अभी एसटीआईपी जो पॉलिसी है वो 6 मंथ्स लॉन्ग प्रोसेस लगा रहा है, और ये चार ट्रैक्स में डिवाइड कर दी गई। पहला ट्रैक पब्लिक एक्सपर्ट्स कंसल्टेशन किया जाए, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, किस किस जगह रिसर्च होना है, उसको आप फोकस करने का काम ये लोग करते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा गला ये हो गया था। तो पहला ट्रैक जो है पब्लिक एंड एक्सपर्ट कंसल्टेशन प्रोसेस किया जाएगा, जिसमें जो भी एक्सपर्ट्स हैं रिगार्डिंग टू पर्टिकुलर रिसर्च, उनसे जो है एक सजेशन निकाला जाएगा, उसके बाद एक ड्राफ्ट प्रोसेस बनाया जाएगा। ट्रैक टू में अगर बात करें तो देखिए, ट्रैक 1 इज नथिंग बट जनरल कंसल्टेशन रहेगा आपको, और ट्रैक 2 की अगर बात करें तो थीमेटिक कंसल्टेशन आएगा। थीमेटिक इन द सेंस, अगर आप वैक्सीन रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अगर आप वैक्सीन रिलेटेड कुछ सजेशन देना चाह रहे हैं, तो पर्टिकुलर एक थीम होगा वो। तो इसी तरह ऐसे 21 थीम्स को डिजाइन किए गए हैं। हर थीम के लोग एक्सपर्ट्स आएंगे, अपने जो विचार है, अपने जो सजेशन है वो पेश करेंगे, तब जाकर इस पॉलिसी को डिजाइन किया जाएगा। फर्स्ट हो गया जनरल कंसल्टेशन, सेकंड हो गया थीमेटिक कंसल्टेशन, थर्ड जो है आपको इंट्रा स्टेट कंसल्टेशन भी रहेगा, और इंट्रा डिपार्टमेंट भी, राइट, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो कुछ सजेशन देना चाहते हैं, दे कैन गिव टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है, दे ऑल्सो वॉन्टेड टू गिव सजेशन, दे इट विल ऑल्सो कंसिडर, राइट। सो डिपार्टमेंट के बीच में भी कंसल्टेशन लिया जाएगा, एंड फाइनली एक अपेक्स लेवल मीटिंग बनाई जाएगी, और मल्टी स्टेक होल्डर रहेगा, उनसे भी कंसल्टेशन लेके फाइनली एक ड्राफ्ट आपको तैयार किया जाएगा। सो वी विल सी कि किस तरह से इसको पॉलिसी को फॉर्मेट करते हैं। अगर पॉसिबल वी विल ऑल्सो ब्रिंग ए लेक्चर आफ्टर दिस बिकमिंग ऑफ द पॉलिसी, राइट। तो माना जाता है कई सारे बेनिफिट्स हैं इसके, क्योंकि तो इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव्स और कॉम्पोनेंट्स के हिसाब से, तो ये लोग अंदाज़ा कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा कई सारे कंट्रीज़ में, हमारे इंडिया को आएगा। बिकॉज एग्जाम्पल के तौर पर अभी हमारे पास, मैंने पहले बताया कि यूएसए के साथ हमारे अच्छे टाइस है, और इंडिया एंड यूएसए हैव बीन मेनी जो पार्टनर्स भी हैं कई सारे एरियाज में, इंक्लूडिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, राइट। और हमारे पास ट्रेड सरप्लस है, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, वी आर ट्रेड सरप्लस विथ यूएसए, राइट, और चाइना को भी सरप्लस कर दिया था यूएसए ने। तो दिस विल हेल्प अस टू हैव ए टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, और जो एग्रीमेंट साइन हुआ था दोनों के बीच में, जो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम हुआ था, उसमें $3 मिलियन फंड्स एक्सचेंज होने के भी वादे किए थे, और उसके साथ एक कई सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ओके, ब्लॉकचेन हो गया, राइट, बिटकॉइन हो गया, ये सारे टेक्नोलॉजीज को हम स्टडी कर पाते हैं, उसके क्या क्या लूप होल्स है, उसको बाहर निकाला जा सकता है, और किस तरह से उसको सेफली यूज़ किया जाए उसके पर भी हम रिसर्च कर सकते हैं, राइट। और हमारे डिफेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ सेक्टर, बेसिकली हेल्थ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नाउ डेज, एज यू आर सीइंग हाउ दिस पैंडेमिक रुइंड अवर लाइफ, राइट, उसको कैसे डेवलप किया जाए, क्या क्या टेक्नोलॉजीज लाया जाए, ये पॉलिसीज में इंक्लूड किया गया है। और बेसिकली मुझे अगर पूछें आप, तो माय पर्सनल फीलिंग इज कि इंडियन कंपनीज को बूस्ट मिलेगा, राइट, क्योंकि जितने भी साइंस साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने भी टेक्नोलॉजी है, ये सारा कुछ आपको बेसिकली एक आत्मनिर्भर भारत के टुवर्ड्स ही पॉइंट आउट कर रहे हैं। जब मैं पॉलिसी पढ़ रहा था तो एट द एंड समरी यही है कि हमारे इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए, और उन्होंने ये पॉइंट भी मेंशन किया है कि हर साल इसको रिव्यू भी करेंगे हम एज कंपेयर्ड विद द ओल्ड, कि ओल्ड के जितने भी पॉलिसीज हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उनके साथ किस तरह से हम कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, उनके हिसाब से भी कंपेरेटिवली स्टडी की जाएगी हर साल, अगर कोई चेंजेस हो तो वो किया जाएगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये भी अच्छा पॉइंट दिखा मुझे, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो एसटीआईपी है,
ये हमारे जो गोल है, हमारे मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का गोल अचीव करने में मदद करें, और जो हमारी सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए प्रोडक्शन में, जो इनका कहना है, चाहे वो पेटेंट्स में लेने हो या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में लेने हो, राइट, और टेली कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ऐसे कई सारे इंडस्ट्रीज हैं, राइट, ब्रश से लेकर मोबाइल फ़ोन तक, राइट, मोबाइल फ़ोन से लेकर कार तक, जितने भी टेक्नोलॉजीज है हम आगे रहें, और जितने भी कोर इंडस्ट्रीज है उनको भी सपोर्ट मिलेगा. दिस इज़ माई फीलिंग टुवर्ड्स आफ्टर रीडिंग दिस पॉलिसी. सो मैं आपको कुछ सजेशंस प्रोवाइड किया हूँ, तो आप भी अपने दिमाग लगाइए और आप भी कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं. दिस इज़ पार्ट ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस, राइट, और ये आपको मेंस एग्जाम में ज़्यादातर हेल्प मिलेगा आपको इस पॉइंट से. तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आपको फिर मिलता हूँ, कुछ आज का लेक्चर पसंद आया होगा, फिर मिलता हूँ कुछ लेक्चर्स के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों.